नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। नारायण दिव्यांग सेवा समिति द्वारा चंदवार गेट पर शिव पैलेस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद में आज चंदवार गेट पर बने शिव पैलेस में दिव्यांग सेवा समिति द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे फिरोजाबाद नगर की महापौर कामी राठौर, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एसपी अग्रवाल, माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार ने इस मौके पर कहा कि नारायण दिव्यांग सेवा समिति पिछले 5 सालों से दिव्यांगों के कल्याण के लिए विभिन्न तरह की जागरूकता आयोजन व कार्यक्रम कर रही है। उन्हें सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं का लाभ दिला रही है। दिव्यांग पेंशन, UDID कार्ड, रेलवे पास, मोटराइज्ड आदि का लाभ दिव्यांग जनों को पहुंचाया जा रहा है। ये सभी कार्य संसार के पदाधिकारियों के सहयोग एवं संरक्षक के सहयोग से किए जा रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद की महापौर कामनी राठौर से एक मांग की गई, जिसमें दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ा जाए। इसके लिए सुलभ शौचालय एवं साइकिल स्टैंड पर उनकी ड्यूटी लगाई जाए, ताकि दिव्यांग कारोबार से जुड़कर अपने भविष्य संभाल सके। महापौर कामनी राठौर ने आश्वासन देते हुए कहा, जो भी सहयोग मेरे द्वारा होगा मैं उसके लिए पूरा प्रयास करूंगी। रिपोर्ट ऋषि पंडित। मैडम, कार्यक्रम में पहुंचे किस तरीके का ये कार्यक्रम है और क्या पूरा प्रारूप है? देखिए, ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप प्रजापति जी हैं, जो करीबन 5 साल से दिव्यांग सेवा समिति चला रहे हैं। श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति ये चला रहे हैं। इसमें करीबन 80 दिव्यांग जुड़े हुए हैं और ये उनकी जैसे गाड़ी वगैरह है और जो भी समस्या है उनकी समस्याओं का ध्यान रखते हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ये खुद भी दिव्यांग होने के बावजूद भी इतना दिव्यांगों का ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इनकी कमेटी में जितने भी पदाधिकारी हैं दिव्यांग पद पे, उन सबको अब मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने मुझे आज ज्ञापन दिया है कि ये चाहते हैं कि दिव्यांगों का एक कार्यालय हो, और एक दिया है ये चाहते हैं कि एक दिव्यांगों में से कोई एक मनोनीत पार्षद बनाया जाए। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे द्वारा जो हो पाएगा मैं पूरी तरह से करने के लिए तत्पर हूँ, और मैं नगर निगम द्वारा जो भी सहायता हो सकेगी मैं उसको करूँगी। और हमारे साथ अभी हमारी बड़ी दीदी अनुपम शर्मा जी हैं, वो भी इससे श्री नारायण दिव्यांग सेवा से जुड़ी हुई है, मुझे आज ही पता चला है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे बीच महेश चंद्र जी हैं, इधर बैठे हैं, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ये यहाँ पर आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ महेश चंद्र भी हैं साइड में, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे नीतीश भैया जी हैं, और हमारी दीदी अनुपम शर्मा जी के हस्बैंड मनोज शर्मा जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मतलब ये लोग दिव्यांग सेवा समिति से जुड़े हैं और इसको चलाने में पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत राष्ट्रीय में स्तर पर आपका चौथा खंभा है, तो मैं आप हमारे हर एक न्यूज को प्रचार प्रसार करते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम चंद्रगढ़ शिव पैलेस पे आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांग जनों द्वारा हमारे नवनीत महापौर कामनी राठौर जी का सम्मान समारोह किया गया श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति से। और उनसे अनुरोध किया गया, जो दिव्यांग जन हमारे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए जैसे नगर निगम में साइकिल स्टैंड है, शौचालय है, उनको दिव्यांगजनों को जगह दी जाए। और दूसरी बात, दिव्यांगजनों को एक जगह ऐसी दी जाए फिरोजाबाद में जहाँ दिव्यांगों का आवास हो और कार्यालय हो, जो दिव्यांग जो इससे परेशानी होती है वो हमको अवगत कराए जहाँ बैठ सके हम। यही आज महापौर जी से हमने निवेदन किया है, और हमें विश्वास है वो हमारे इसको मानेंगे और पूरा करेंगे कार्य। ऐसी महापौर जी को हम धन्यवाद देते हैं और उनका धन्यवाद। धन्यवाद।